हेलो गाइस, वेलकम टू jani.com। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको मेरा कास्ट जो एक फीचर होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। कैसे आप अपने MI बॉक्स से आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन थ्रू MI बॉक्स अपने टीवी पे आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्रोम कास्ट फीचर नहीं है। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, क्रोम कास्ट फीचर एक अलग फीचर होता है जिसमें आप ऑनलाइन ऐप के थ्रू, मान लीजिए आप यूट्यूब पे अगर आप कुछ देख रहे हैं और उसके ऊपर एक आप साइन देखते हैं डब्बे का, वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वही स्क्रीन यूट्यूब की स्क्रीन आपकी टीवी की स्क्रीन पे आ जाता है, वो जब आप वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं तब। लेकिन ये जो मैं फीचर बताने वाला हूँ, ये बिना वाईफाई से कनेक्टेड रहते हुए आप अपने फोन की स्क्रीन को टीवी पे देख सकते हैं थ्रू MI बॉक्स डिवाइस। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये मेरे काफी व्यूअर्स ने मुझसे इस बारे में पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है, तो मैंने इस पर रिसर्च करी और ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस मैं आप तक लेके आ सकूं और आपकी डिमांड या आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व कर सकूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं मेरे टीवी स्क्रीन पर जहाँ पे MI बॉक्स कनेक्टेड है और गेट मोर ऐप्स में जाते हैं, मतलब कि गूगल प्ले स्टोर ओपन करते हैं और वहाँ पे हम सर्च करते हैं एक ऐप जो है ए पावर। अगर आप ए और पी लिखेंगे उसने में ही आपके सामने ये ऐप आ जाएगा। जैसे मैंने ए उसके बाद पी टाइप करता हूँ, पूरा आपको टाइप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए, फर्स्ट वाला जो ऐप आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये ए पावर मिरर, इसको आप सिंपली इंस्टॉल कर लीजिए अपने MI 4K डिवाइस में जो कि आपके टीवी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोस्तों, मैं वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि इंस्टॉलिंग में थोड़ा जो टाइम लगा है वो यहाँ पे ना वेस्ट हो। तो ये रहा ऐप जो इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ चुका है। अब सेम ऐप आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पे इंस्टॉल करना है और ये देख लीजिए, ये इसका इंटरफेस है। शुरू में आपको सेटिंग में अलाउ करना होगा, ये इसका इंटरफेस है। अब फ़ोन में जाके गूगल प्ले स्टोर ओपन कीजिए, मैं ओपन कर देता हूँ, आपको साथ साथ में दिखा देता हूँ दोस्तों। और वहाँ पे जाके भी आपको सेम ऐप, यही ए पावर मिरर ऐप जो है, आपको सर्च करनी है और उसको इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए, ए पावर मिरर ऐप, इसका आइकन देख लीजिए ध्यान से कैसा है, और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। और मैं इंस्टॉल पे क्लिक करके मैं फिर से वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि यहाँ भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको इंस्टॉल्ड आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इंस्टॉलिंग शुरू हो गई, इंस्टॉल हो गया। अब इसको यहाँ भी ओपन का ऑप्शन आ गया। अब इसके बाद आपको जो पहला काम करना है, अपने फ़ोन में जाके सेटिंग में अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट को ओपन करना है। ये जो पर्सनल हॉटस्पॉट देखते हैं, इसको एक्टिव कर देना है, अपने ऑन कर देना है, क्योंकि हम वाईफाई यूज़ नहीं करने वाले, हम फ़ोन का मोबाइल डेटा यूज़ नहीं करने वाले। आपके फ़ोन के हॉटस्पॉट से आपका ये डिवाइस कनेक्टेड होगा और उसके थ्रू आपका मिररिंग का जो फीचर है वो काम करेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको कहीं लगे कि मैंने अपना टीवी वाईफाई से कनेक्टेड कर रखा है, ये देखिए कनेक्टेड है। मैं इनको अभी रिमूव कर देता हूँ, पासवर्ड को, जितने भी जगह मेरा टीवी कनेक्टेड है वाईफाई से, मैं इसको फॉरगेट करके वाईफाई से हटा देता हूँ अभी। अब देखिए, अभी मेरे टीवी पे ही आ रहा है, नो इंटरनेट, टर्न ऑन योर हॉटस्पॉट या वाईफाई ऐसे। तो अब यहाँ पे मेरे सामने amit.net जो मेरे फ़ोन का हॉटस्पॉट का नाम है, इससे मैं कनेक्ट करता हूँ। कनेक्टेड सक्सेसफुली हो गया, इसका मतलब ये कि अब ये डिवाइस मेरे फ़ोन के हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है, किसी भी वाईफाई से, किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ मेरे हॉटस्पॉट से। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं, फ़ोन स्क्रीन मिररिंग, इसको क्लिक करेंगे तो ऐसे आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, टीवी स्क्रीन पे। अब मोबाइल स्क्रीन पे भी आप जाएंगे और सेम ऐप को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद ऐसे ऐप ओपन होगा, यहाँ पे मिरर का ऑप्शन आ जाएगा बीच में, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। थोड़ी सर्चिंग के बाद आपका जो टीवी का जो नाम है इसमें MI बॉक्स, ये देखिए ए पावर MI बॉक्स 4, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद दो ऑप्शन आएंगे, नीचे वाले ऑप्शन पे आप सिर्फ सिंपली क्लिक कर दीजिएगा जिस पे लिखा है मिरर फ़ोन स्क्रीन, और स्टार्ट नाउ पे इसके बाद क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, आपकी फ़ोन की स्क्रीन आपके टीवी स्क्रीन पे मिरर हो जाएगी थ्रू MI बॉक्स डिवाइस। तो दोस्तों, मैंने MI बॉक्स इंस्टॉल कर अपने टीवी में फिट कर रखा है, उसके थ्रू अब ये जो आप देख रहे हैं, मैं टीवी में, मैं अपने फ़ोन पे जो भी हरकत कर रहा हूँ उसको, मैं सेटिंग को इधर उधर कर रहा हूँ, स्क्रीन को मैं कर रहा हूँ, और देखिए वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है दोस्तों। और देखिए, ये मैं आपको एक मूवी भी प्ले करके दिखा देता हूँ, मेरे फ़ोन में कुछ मूवीज़ पड़ी हों, अगर कोई क्लिप पड़ी हो तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों, एक सेकंड से कुछ समय कम टाइम का लैग है,
ज़रूर है कि थोड़ा सा एक सेकंड आप हल्के से कुछ समय बाद वो टीवी पे आपके सामने आता है, बिल्कुल इंस्टेंट नहीं है, बिल्कुल एक जैसा नहीं है, साथ साथ में नहीं है, थोड़ा सा पर अच्छा है दोस्तों। और ये देखिए, ये मैंने अभी फ़ोन अपने फ़ोन पर चलाया हुआ, सेम वो टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद, और आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी और मेरे व्यूअर्स के लिए भी जिन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट भेजी थी। दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो, कुछ आप जानना चाहते हैं, कोई भी आप ऐसी चीज़ जो आपको पता नहीं लग रही, मैं आपके लिए डेफिनेटली न्यू वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।